हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन. लर्न एंड अर्न वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर. दोस्तों, इससे पहले अभी हमने सीखा था पेजेस किस तरह से बनाते हैं, वर्डप्रेस के अंदर आप कैसे पेजेस बना सकते हैं. तो सिमिलर दैट उसी तरह से हमारा है हाउ टू क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट इन वर्डप्रेस. अगर दोस्तों आप वर्डप्रेस के अंदर अपना ब्लॉग सेटअप करना चाहते हैं, अपना ब्लॉग रन करना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको मैक्सिमम जो है वो ब्लॉग पोस्ट बनाने रहेंगे. जो पेजेस जो है वो पेजेस एक लिमिटेड होते हैं, एक लिमिटेड सर्विसेज के लिए होते हैं. हमने इससे पहले वीडियो में देखा था पोस्ट वर्सेस पेजेस, क्या डिफरेंस रहता है, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली आप अपने वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट बना सकते हैं. द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ब्लॉगिंग वुड बी टू क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट. दिस वीडियो शो यू हाउ टू क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पोस्ट इन वर्डप्रेस. लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल. फ्रेंड्स, अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप बिगनर हैं तो कोई भी डिफिकल्टी जरूरत नहीं है. ये बहुत ही इजी वे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप्स ब्लॉगिंग का स्टेप भी पूरे पूरे सिखाएंगे यहाँ पर. सो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोस्ट. पोस्ट में ऑप्शन आता है आपको ऑल पोस्ट एड न्यू कैटेगरी टैग. सो सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए ऑल पोस्ट को. पोस्ट पर आप देखेंगे कि हमने इससे पहले दो ड्राफ्ट बनाए थे, कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था जब हम क्लासिक एडिटर के बारे में बता रहे थे. तो आप उसको थ्रेश में जाकर डिलीट कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड करके एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट आ रहा है, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए. इसके अलावा आपको वर्डप्रेस में जो भी डिफ़ॉल्ट आता है वो सबको आपको डिलीट कर देना है, ताकि डिफ़ॉल्ट कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अपने वर्डप्रेस पर नहीं रखना है. ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, आप ऊपर देख रहे होंगे ऐड न्यू का ऑप्शन है, जैसा कि हमें पेजेस में दिखा था. सिमिलर वे में हमें यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है. ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेम यूजर इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा. सो अभी तक जो ये वेबसाइट पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि हम ये जो वेबसाइट बनाएंगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से, ये हमारा जो वेबसाइट रहेगा ये लैपटॉप डेस्कटॉप एंड सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट, उसके ऊपर का हम पूरा एक एग्जाम्पल देंगे. अभी आपकी वेबसाइट आप किस टाइप की बनाना चाहते हैं वो आप सोचिए कि किसके ऊपर आप ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें. आप ये हमारी थीम को कॉपी भी कर सकते हैं, हमारे आइडिया को कॉपी भी कर सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे रिलेटेड. आप चाहिए तो सेम लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर या सीसीटीवी के ऊपर भी अपना वेबसाइट एज ए प्रैक्टिकल एजुकेशन पर्पज पे बना सकते हैं. सो ब्लॉग्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना रहता है. तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है और ये बड़ा टाइटल हमें यहाँ पर दिखाता है कि किस तरह से हम उसको यूज करेंगे. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ पोस्ट आर्टिकल्स लिखना रहेगा और कुछ पोस्ट बनाना रहेगा. सो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वर्कआउट किया है. ये वर्कआउट जस्ट वर्कआउट नहीं है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है. सो बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी पेस्ट ना करें. सो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं लैपटॉप से रिलेटेड, बेस्ट लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज. तो इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस नाम से एक पोस्ट बना देते हैं. एंड सेम कंटेंट अभी हम यहाँ पर भी डाल देते हैं एंड इसको पब्लिश कर देते हैं. इस तरह से हम चार पोस्ट बना रहे हैं, चारों पोस्ट का कंटेंट जो है वो अलग अलग रहेगा. अभी हम यहाँ पर पोस्ट का कंटेंट नहीं डालेंगे, सिर्फ पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे तीन आर्टिकल्स बन चुके हैं एंड पोस्ट बन चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं और ये लास्ट हमारा है. बट लास्ट पोस्ट में हम प्रॉपरली कंटेंट डालेंगे. जैसा कि आपने देखा होगा कि नोटपैड पे मैंने ये कंटेंट कुछ कॉपी करके रखा है. सो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. ये देखिए यहाँ पर पेस्ट जो है वो आ गया. अभी इसके साथ साथ आपको डिफॉल्ट कंटेंट कर सकते हैं, आप फुल विड्थ कर सकते हैं, कवर टेम्पलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये टेम्पलेट क्या होता है. सो इसको हम लेट्स अज्यूम फुल विड्थ के साथ पब्लिश करेंगे.
जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आप यहाँ पर इस यूआरएल पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो वीप पोस्ट कर लीजिए। मेक श्योर कि ये आपका न्यू टैब में ओपन करें। सो देखिए इस तरह से आपका जो पोस्ट है वो दिखता है, बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 इन इंडिया, और ये उसके अंदर आगे का कंटेंट है। इस कंटेंट को अभी और हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमने काफ़ी सारा डेटा जो है यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम अपना डेटा ऐड करते हैं। देखिए लास्ट में लाकर आप एंटर करिए, आपको किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको यहाँ पर कोई भी कोडिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें जो है वो आप अपने एंड से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक टाइटल जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट किया है, अभी इसको आपको हेडिंग में देना है, H2 में देना है, H3 में देना है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको H3 कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बड़ा दिखेगा। अभी आपको इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका स्पेसिफिकेशन है, आपको इसको बुलेट पॉइंट देना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका सिंगल बुलेट पॉइंट बन रहा है। आप इसको बुलेट पॉइंट इस तरह से भी मैन्युअली दे सकते हैं, क्योंकि ये डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है इसलिए प्रॉपरली नहीं आया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट कॉपी करेंगे तो ये बुलेट पॉइंट इजीली बन जाएंगे। सो देखिए किस तरह से ये डेटा सिस्टमेटिकली यहाँ पर दिख रहा है। अभी इसको आप 1, 2, 3 आपको करना है या ब्लड पॉइंट करना है वो आप कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन है मैंने दिया हुआ है, और उसके आगे अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करेंगे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसको किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी प्रॉन्स की जगह पर आपको कुछ सिलेक्ट करना है, आप इसको बोल्ड क्लिक कर दीजिए, ये बोल्ड हो जाता है। इसको भी आप सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड क्लिक कर दीजिए, इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। सो एज पर योर कन्वीनियंस कि जैसा भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम कर देते हैं इसको अपडेट। फर्स्ट टाइम में आपने देखा होगा कि हमने पब्लिश किया था, लेकिन अभी हम यहाँ पर करेंगे इसको अपडेट। जैसे ये अपडेट हो जाता है इसको हम न्यू टैब में राइट क्लिक करके ओपन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से दिखेगा। सो ये दोस्तों आपका बन गया है ब्लॉग पोस्ट, बेस्ट लैपटॉप अंडर 25,000 इन इंडिया। सो ये देखिए हमने इसको बोल्ड किया था, H3 में दिया था, ये आपका टाइटल बोल्ड हो गया है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिए थे 1, 2, 3, तो ये 1, 2, 3 पॉइंट्स आ गए हैं। और इसके नीचे हमारा ये स्पेसिफिकेशंस है, इसके बाद प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो इस तरह से आप आपके ब्लॉग पोस्ट को रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। सो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दीजिए, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड बने रहिए हमारे वर्डप्रेस सीरीज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।